नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीबीआई टीम जांच के लिए पहुंची बालासोर, ग्राउंड जीरो का किया मुआयना। जी हाँ दोस्तों, बालासोर ट्रेन त्रासदी की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की 10 सदस्यों की एक टीम ने मंगलवार को घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल सीबीआई ने इस सिलसिले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक टीम सोमवार रात ओडिशा के बालासोर पहुंची। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने अभी तक इस मामले में मामला दर्ज नहीं किया है और वो फिलहाल घटनास्थल की जाँच कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आदित्य कुमार चौधरी ने भी घटनास्थल पर सीबीआई टीम के पहुंचने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक और सीबीआई टीम घटना वाली जगह पर जांच कर रहे हैं, वे सबूत जुटा रहे हैं और अपनी जांच कर रहे हैं। रेलवे उनकी मदद कर रहा है। जांच के दौरान सीबीआई सभी एंगल से मामले की तफ्तीश करेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के नौकरी ज्वाइन करने से खाप किसान नाराज। जंतर मंतर पर प्रदर्शन टाला, कहा रेसलर अमित शाह की मुलाकात का पता तक नहीं चला। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच रेसलर्स विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के रेलवे में नौकरी ज्वाइन करने से किसान और खाप पंचायत के लोग नाराज हैं। ये लोग कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने वाले थे, अब इन्होंने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को टाल दिया है। इन किसान नेताओं ने कुरुक्षेत्र की महापंचायत में अल्टीमेटम दिया था कि 9 जून तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे जंतर मंतर पर पहलवानों का फिर से प्रदर्शन शुरू कराकर आएंगे। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने रेसलर्स को जंतर मंतर से हटा दिया था। दोस्तों, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के एक दिन बाद सोमवार को रेलवे में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कर्नाटक के स्कूलों में स्कर्ट पर पाबंदी की सिफारिश। बाल संरक्षण आयोग ने पैंट या सलवार को ड्रेस कोड में शामिल करने की मांग की। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के स्कूलों में लड़कियों की यूनिफॉर्म बदलने की सिफारिश की गई है। कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि स्कर्ट पहनने से लड़कियों को आने जाने और खेलने कूदने में परेशानी महसूस होती है, इसलिए स्कर्ट की बजाय पैंट या सलवार को ड्रेस कोड में शामिल किया जाए। स्कर्ट पहनने वाली लड़कियों को होने वाली असुविधाओं पर आयोग को कलबुर्गी में महिला और बाल कल्याण विभाग के एक सहायक निदेशक ने लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने क्लास 1 से लेकर 10वीं तक की लड़कियों के यूनिफॉर्म बदलने की बात कही है। 15 मई को लिखे गए लेटर में कहा गया है कि लड़कियां शर्मीली स्वभाव की होती हैं, ट्रेवल करते समय भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूमने, साइकिल चलाने या स्पोर्ट एक्टिविटीज में हिस्सा लेने में स्कर्ट पहनना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए यूनिफॉर्म को सलवार या पैंट से बदला जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नीतीश कुमार की हालात अंधों में काना राजा जैसी। प्रशांत किशोर का बिहार सीएम पर हमला। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसको लेकर वह लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। इसी बीच जन स्वराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए कहा कि वह बिहार देश का फिजटी राज्य है और नीतीश दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऐसे मिल रहे हैं जैसे बिहार को अमेरिका बना दिया हो। नीतीश कुमार की हालात अंधों में काना राजा जैसी है। नीतीश की विपक्षी एकता को लेकर चल रही कवायद पर हमला बोलते हुए चुनावी रणनीतिकार पीके ने कहा कि वह पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मगर उनकी हालत अंधों में काना राजा जैसी है। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार को भ्रम हो गया है कि वह बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति है। मैं ही सब जानता हूं, मुझे ही सब मालूम है। नीतीश ने अपने आसपास सब बेवकूफ लोगों को बैठाया हुआ है। आज बिहार में ऐसे नेता हैं जिनको नाम लिखना नहीं आता है और वह नीतीश कुमार को अपना नाम लिखना आता है तो लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़े विद्वान आदमी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ब्रजभूषण के ड्राइवर गार्ड समेत 15 कर्मचारियों से पूछताछ। लखनऊ और गोंडा के घरों पर पहुंची दिल्ली पुलिस, डेढ़ घंटे तक सवाल जवाब किए। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस सोमवार देर रात भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के लखनऊ और गोंडा स्थित घरों पर पहुंची। पुलिस ने ब्रजभूषण के 15 कर्मचारियों से पूछताछ की। इनमें ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, माली और नौकर भी शामिल थे। दिल्ली से आई टीम में 5 पुलिसकर्मी थे। लखनऊ में 3 कर्मचारियों से पूछताछ के बाद टीम गोंडा के विश्वोहरपुर स्थित घर गई। वहां करीब 1.5 घंटे तक 12 कर्मचारियों से सवाल जवाब किए गए। उनका नाम पता नोट किया गया। ब्रजभूषण की वर्किंग और व्यवहार को लेकर पूछताछ की गई। बयान दर्ज करने के बाद टीम रात 11:30 बजे दिल्ली रवाना हो गई। दोस्तों, ब्रजभूषण सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने हमसे कोई पूछताछ नहीं की है क्योंकि पुलिस 2 बार पहले ही 5-6 घंटे दिल्ली में पूछताछ कर चुकी है। हमारे यहाँ काम कर रहे ड्राइवर, नौकर,
के बयान दर्ज किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दो दशकों में ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप जब्त, एनसीबी ने बताया डार्क नेट क्रिप्टो करेंसी से होता था लेन देन। जी हां दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने अब तक की सबसे बड़ी पार्टी ड्रग्स की खेप पकड़ी है। इस छापेमारी में एनसीबी ने हजारों करोड़ की नशीली दवा लीज जिंक एसिड डाई एथेमलामाइड यानी कि LSD बरामद करी है। एनसीबी की इस छापेमारी में देश भर में फैले ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। कई ड्रग तस्करों को भी इस छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों इस छापेमारी को लेकर एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये दो दशकों में सबसे बड़ी रिकवरी है। DDG एनसीबी ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि LSD आजकल यूथ और स्टूडेंट में बहुत फेमस है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इसकी कमर्शियल क्वांटिटी 0.1 ग्राम है। एक स्टैंडर्ड स्टेप के आधे हिस्से में इसे लगाते हैं। ऐसे 5 स्टेप से एक ब्लॉट बनता है। 15,000 प्लांट बरामद हुए हैं और 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।